श्रद्धा मूर्ति देवी आप कल विचार कर रहे हैं। संतोष की माँ चौरे बाजार हैदराबाद के, किसी भी आदमी से आप पूछिए कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, तो हर आदमी का यही उत्तर होगा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कोई भी आदमी यह नहीं कहेगा कि मैं नरक जाना चाहूँगा, मुझे नरक जाना पसंद है। हर आदमी को स्वर्ग जाना ही पसंद है, क्योंकि सुना गया है और पुराणों में पढ़ा गया है कि नरक में केवल दुख ही दुख है, स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है। इसलिए हर आदमी स्वर्ग ही जाना चाहता है, हर उत्तर यही होगा। लेकिन ये उनसे ये पूछिए, ठीक है आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए स्वर्ग कब जाना चाहते हैं। चलिए स्वर्ग अभी हमारे साथ, तो कहेगा कि मुझे अभी मार डालोगे क्या, मैं तो जी रहा हूँ। मरने के बाद सोचते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाए, लेकिन यदि जीवन में स्वर्ग नहीं मिला तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इसकी क्या आशा है। फायदा तो तब है जब जीते जी स्वर्ग मिले, स्वर्ग का आनंद जीते जी, हाँ स्वर्ग में जीते जी निवास करें। जीते जी स्वर्ग कैसे मिलेगा, जब हमारा अहंकार मर जाएगा तो जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा। कहा जाता है कि स्वर्ग में देवी देवता निवास करते हैं, तो आप ये समझे कि आपके घर में जितने सदस्य हैं वो सब देवी देवता हैं। जब घर के सदस्य देवी देवता बन जाएंगे तो आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा और स्वर्ग में रोज आपका निवास होने लगेगा। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कहा था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। घर के सदस्यों के प्रति जब देवत्व की भावना होगी तो अपने आप घर स्वर्ग बनेगा। कोई आदमी देवी देवता के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करता, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उनसे कला कल्पना नहीं करता, बस आप लड़ाई झगड़ा कला कल्पना छल कपट का त्याग कर दें जीवन से, जीवन ही स्वर्ग बन गया। लेकिन जिन मनुष्यों के बीच हम रहते हैं, जिनके भी जीवन गुजर होता है, उन मनुष्यों को प्राणियों को हम देवी देवता नहीं मानते। हमारा देवता आकाश में तैरता है, तो जब तक देवता आकाश में रहेगा और प्राणियों को देवत्व बुद्धि नहीं होगी, कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं हो सकेगा। ईसा मसीह ने कहा है, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, किंतु वे अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। जिस ईश्वर को देखा नहीं उससे कहते हैं प्रेम करता हूँ, और जिस पड़ोसी को रोज देखते हैं उसे झगड़ा करते हैं, तब कैसे माना जाए कोई ईश्वर से प्रेम करता है। आखिर ईश्वर किस रूप में मिलेगा आपको, हमें ईश्वर किस रूप में मिलेगा? मिलेगा तो प्राणियों के रूप में मिलेगा, या तो हम मन से एक नक्शा गढ़ लेंगे। कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। और नर के साथ मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार है, मुकदमा बाजी है, लड़ाई झगड़ा है, कटुता है, अन्न मालूम क्या क्या है। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोग लड़ जाते हैं। कितने लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर
हम दुश्मन से बात कर लेंगे लेकिन अपने भाई से बात नहीं करेंगे, तो जीवन स्वर्ग कैसे बनेगा? भाई जब दुश्मन बना हुआ है तो ईश्वर मिलेगा कैसे? राम और भरत का उदाहरण आप सब जानते हैं, रामायण की कहानी आप सब परिचित हैं। महाराज राम ने भरत के लिए राज्य का त्याग किया था और भरत ने राम के चरणों में राज्य का अर्पित कर दिया। राम लौट करके वापस नहीं आए, तब भरत ने केवल सेवा की, व्यवस्था देखी राज्य की, भोग नहीं किया और दोनों का सुंदर आदर्श, दोनों का मन प्रसन्न, किसी के मन में कलह नहीं। आज लोग राम की पूजा करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, राम राम जपते भी हैं। और कितने लोग तो यह हैं कि राम नामी चादर भी ओढ़ लेते हैं, चादर में निकले राम 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 और वो चादर भी ओढ़ लिए, तो राम नामी चादर ओढ़े हैं, राम राम जप रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं और भाई से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ फिर राम राम कहने का और राम की भक्ति करने का? तो ये राम की पूजा काम नहीं आएगी। जिस प्रकार महाराज राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर राज्य का त्याग कर दिया और 14 वर्ष तक जंगल में बिताए, भाई के लिए राज्य का त्याग कर दिया, प्रजा के लिए उनके मन में जैसा प्रेम था वैसी आज्ञाकारिता हमारे मन में हो, भाई के लिए प्रेम हो, प्रजा के लिए जिन लोग भी रहते हैं उनके प्रति प्रेम हो, स्वार्थ का त्याग हो, विनम्रता हो, तो जीवन ही स्वर्ग बन गया। फिर तो पूरा जीवन ही पूजा बन गया। ये राम की असली भक्ति होगी। हम लोग अपने महापुरुषों की पूजा करते हैं लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश का पालन नहीं करते। सही रंग का हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए हैं। कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं सब ईश्वर की संतान हैं, सब ईश्वर के बच्चे, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं कहा जाता है। अब ये बताओ, 3 साल का है, सही रंग का हाफ, एक आदमी है और पैंट पहने हुए है, उसके 5 बच्चे हैं, पता नहीं रहा है, उस आदमी से तो आप बड़े प्रेम से बात करते हैं, जब वो आदमी मिलता है तो उसका बहुत आगर सागर सत्कार करते हैं, बच्चे को निभाते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते हैं और यहाँ तक उस आदमी से आप गले भी मिल जाते हैं, लेकिन उस आदमी के जो 5 बच्चे हैं उनको समय समय से आप मार देते हैं, डार देते हैं, उसके पास की चीज को छीन लेते हैं, रास्ता चलते उन्हें गड्ढा में ढकेल देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, तो आपके व्यवहार से वो आदमी खुश होगा? उस आदमी से तो आप बढ़िया बढ़िया व्यवहार करते हैं और उनके बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो आदमी खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। उनसे बढ़िया व्यवहार ना करें लेकिन उनके बच्चों से बढ़िया व्यवहार करें, ठीक है, दुर्व्यवहार किसी से नहीं करना है। उनके बच्चों से आप जितना व्यवहार करेंगे, उनके बच्चों जितने सुख पहुंचाएंगे, उतना ही वो आदमी खुश होगा। ये बताओ, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं और ईश्वर की जो संतान है उन्हें मार करके खा जाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं, तो ईश्वर खुश होगा कभी? हम लोग ये दुनिया में ही तो हो रहा है, यहाँ तक ईश्वर के नाम पर ही, भगवान के नाम पर ही कितने जीव रोज काटे जा रहे हैं, तो भगवान खुद कैसे होगा? किसी माँ के सामने आप उसके बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाएं, माँ देख पाएगी? माँ सहन कर पाएगी? अब हम लोग क्या करते हैं, जगदम्बा के नाम पर लोग क्या करते हैं मंदिर में जाकर के? मासूम बकरे मुर्गे गले पर छुरी रहते हैं तो जगदम्बा खुश होगी कभी? ये भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर बहकाव है। हम लोगों ने अपने देवी देवताओं को भी बदनाम कर लिया है। दोष इसमें देवी देवता का नहीं है,
दोष भगवान भगवती का नहीं है, दोष आदमी का है। आदमी अपना मांस खाता है तो देवता को भी मांस खाने वाला बना लिया। कोई वैष्णव कभी अपने देवता को मांस अर्पित नहीं करेगा, फल फूल मिठाई ये अर्पित करेगा, क्योंकि वैष्णव कभी मांस नहीं खा सकता। इसलिए अपने किसी भगवान को, किसी देवता को, किसी मंदिर में मांस का भोग नहीं चढ़ाएगा वैष्णव। लेकिन जो मांस खाने वाले लोग हैं वो लोग अपने देवता भी ऐसा बना लिए, तो देवता का दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है, दोष हमारा है। अपनी गलती को हम देवी देवता भगवान भगवती के नाम पर चलाना चाहते हैं और कहते हैं हम भगवान के भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान का पूजा भी कर रहे हैं, तो इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा। भगवान के नाम पर कितने मनुष्यों को भी कत्ल कर दिया जाता है, आदमी को कत्ल किया जाता है, तब हिंदुओं का भगवान खुद होता है, आदमी को कत्ल किया जाता है तो मुसलमानों का अल्लाह खुद होता है। इससे ये हमारी भूल है, हमारी नासमझी है, हम गलत रास्ते पर भटक गए हैं। आवश्यकता है असली देवी देवता भगवान भगवती को समझने की। अब वो कौन है? जितने प्राणी हैं सब भगवान भगवती। कबीर जेति आत्मा 33 शालिग्राम, आपको जितने आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान हैं। उसके पश्चात आप जिसकी पूजा करना चाहो करो, उसके लिए रोक कहां है, मना ही कहां है। इसलिए कबीर साहब बार बार टोकते हैं, असली धर्म को पहचानो, असली पूजा को पहचानो, असली देवी देवता और भगवान को पहचानो। हम भटक गए हैं और भटकते भटकते बहुत दूर चले गए हैं, तथ्य को बिल्कुल भूल गए हैं। तो मैं कह रहा था कि हर मनुष्य स्वर्ग में ही निवास करना चाहता है, नरक में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा मन बना हुआ है नरक। हर क्षण हम नरक में जी रहे हैं, ईर्ष्या है, घृणा है, क्रोध है, वैमनस्य है, कला है, कल्पना है, लड़ाई झगड़ा है, स्वार्थ है, अहंकार है, कटुता है, यही तो नरक है। और इनमें ही हमारा समय व्यतीत हो रहा है। जब ये सब दूर हो जाएंगे और मन में प्रेम, एकता, समता, संतुलता, परोपकार, सेवा, ये सब आ जाएंगे, तब हर्षण स्वर्ग में निवास, ये असली स्वर्ग होगा। और इस स्वर्ग को समझने की जरूरत है। बाहर जितने लोग हैं सबके लिए प्रेम का व्यवहार, लेकिन सबसे अनासक्त गुरुदेव जी कहा करते हैं, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम का व्यवहार जहां स्वर्ग है, किसी के लिए कहीं कोई आकर्षण नहीं, कहीं मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो मोक्ष है। अनासक्त मन, निष्काम मन, इसी में तो मोक्ष फलित होगा। वैसे स्वर्ग का अर्थ भी यही कहा जाता है, स्वर्ग, स्व में गमन, अपनी तरफ लौट आना, अपने में लौट आना, ये स्वर्ग है। बाहर से जो हम दिखाई पड़ हम देखते हैं मन और इंद्रियों के माध्यम से, वो सब माया है, जड़ है, जड़ प्रकृति का विस्तार है। और जहां तक जड़ प्रकृति का विस्तार है सब माया है, उनमें मोह करते हैं तो नरक का भोग होगा। उससे लौट आए, अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में, अपने चेतन में, अपने ब्रह्म में, बस मोक्ष है, स्वर्ग है। तो स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग, अपने में लौट आना। और अपने में लौटना तब होगा जब बाहर का सारा राग मिटेगा, सारी आसक्ति मिटेगी। बाहर क्या है? बाहर क्या मिलेगा? प्रपंच ही तो मिलेगा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, मन और इंद्रियां जहां तक इनका व्यापार है
सम माया है और हमें जो कुछ मिलेगा इनके द्वारा ही तो मिलेगा। आंख से मिलेगा रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, नाक से मिलेगा गंध होगी, जीवा से मिलेगा स्वाद होगा, त्वचा से मिलेगा स्पर्श होगा, मन से जो हम मिलेगा सोचेंगे वो संकल्प विकल्प होगा। बाहर से कुछ पाने का हमारे पास यही तो माध्यम है और इनसे जो कुछ हम पाएंगे वो सब माया है, वो परमात्मा कैसे होगा, स्वर्ग कैसे हो सकता है। इसलिए मन और इंद्रियों के व्यापार से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, मन आत्मस्थ अपनी तरफ मुड़ गया, तब असली राम का, असली परमात्मा का, असली मोक्ष और स्वर्ग का अनुभव होगा। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसः बुद्धिश्चन विचेष्टति तमाहु परमाम गति। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि ये सब शांत हो गए, चंचल नहीं होते, वो परम गति है। नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने यही कहा, परम गति क्या है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। जब मन, बुद्धि और इंद्रियां इस सब के सब शांत हो गए, वो परमाम गति, वो परम गति है। इसलिए भटकना नहीं है, तत्व को समझना है। तो प्रेम में स्वर्ग है, नासक्ति में मोक्ष है। बोले सदगुरु देव की जय। बात बात सभी लोग बैठ जाएं। थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष निवेदन किया कि जो स्वर्ग और मोक्ष हम जो पाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है और मरने के बाद की चीज नहीं है, किंतु इसी जीवन की चीज है। उसके लिए अपने को बाहर से समेटना है। गुरुदेव जी विराजमान हैं, आज कार्यक्रम जो हमारी कबीर पारक संस्थान का जो शिविर चल रहा है, इसका आज आखिरी प्रवचन है, आखिरी कार्यक्रम है। गुरुदेव जी विराजमान हैं, मैं गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृतमय वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें।